तो दोनों भाई आ गए अपनी वॉकी वॉकी पे। इससे पहले बादल बना हुआ है कि बारिश वगैरह आए हम घूम के जाएंगे, है ना शहजा? ये कहाँ जा रहे हैं? और टेल्लू सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आ गई अपनी पलटन के साथ में वॉकी वॉकी, इससे पहले कि इंद्रदेव आए और हम वॉक पे ना आ पाए। तो मैं फटाफट बच्चों के साथ में आ गई। वैसे मौसम हो रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश आएगी, पर ठीक है आ भी जाए तो अच्छा ही है। टू और भोलू उधर से निकल के आए हैं, पता नहीं कहाँ घूम के आए हैं। गोलू डेजी मेरे साथ थे, कल्लो आ जाएगी और ना वो शायद इधर है, और टिल्लू हमारे पीछे। टिल्लू बीच बीच में कर रहा है परेशान। हाँ, आज तो मुझे भी पार्क में बैठना मिला है, मौसम अच्छा हो रहा है। खैर हवा तो नहीं चल रही पर हाँ अच्छा लग रहा है पार्क में बैठ के। अभी जस्ट मैंने चाय बनाई है, चाय पियेंगे उसके बाद में देखेंगे क्या करना है जिंदगी में। जीवन अपने टाइम का एकदम पक्का है, टाइम से आ जाता है जिम के लिए, भैया को डंडा करने के लिए। अरे गुड्डा, गुड्डू ने कच्छा भी निकाला मेरी। अरे कच्छा धारी वो कहे है, दूसरा कच्छा धारी कहे अंदर है। ऑटो की आवाज सुन ली होगी नई रिक्शा की, हाँ तभी इतना परेशान होता है। इसलिए मैं इसको नहीं करता, ऐसे करता मैं वो। ये क्या बात हुई यार कि अगर वो भाव नहीं देता तो इसलिए प्यार, तो जो साफ साफ बोल रहा है वो भी मेरे सामने, इसलिए मैं इससे प्यार नहीं करता। हिम्मत तो देखो इसकी कितनी है, मेरे सामने बोल रहा है कि इसलिए मैं इससे प्यार नहीं करता। सफेद गुड़िया आ गई क्या? अरे आ गई आ गई, अरे सच में आ गई, ये तो सच में आ गई। अरे भैया सच में आ गई सफेद गुड़िया, सच में मैं इसको शहजादी भी बोलती हूँ लाडवा, लेकिन सच में एक शहजादी आ गई। देखो बाबा छोटे से बाबा, कच्छ निकलवाओ अपना, शाबाश। पीछे देखो पीछे, पीछे तो देखो, पीछे देखो पीछे, पीछे देखो पीछे, एक सफेद गुड़िया छत पर जाती हुई। ये देखो ये भाई साहब सुबह सुबह करके लाए शॉपिंग, और वो भी मेरे लिए, मेरे लिए क्या है, फैन। मुझे फैन पसंद है पर ये वाले फैन अच्छे नहीं है। मैं आई हूँ छत पे इस बिल्ली को देखने कि क्या कर रहा है ये। ये देखो जगह जगह मुंह मारता फिरेगा, काम ढूंढता फिरेगा, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। आ जा, आ आओ 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 जल्दी आओ। अभी अभी देखना जंप करेगा, जंप करेगा नवाब के ऊपर। ये देखो ऐसे करता है, ऐसे खेलता है, ऐसे पोक करता है। मैं तो सुबह सुबह अपना काम निपटाती घूम रही, क्योंकि शायद हमें एजेंसी जाना जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा था तो वो बोल रहे थे कि आप आ जाना 12 बजे तक, गाड़ी में काम हो गया है। पर मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा बुलाते हैं फिर काम नहीं होता, फिर हमें वापस आना पड़ता है। लास्ट टाइम लोगों के 4-5 चक्कर ऐसे ही लगवा देते, तो मैं बिल्कुल भी मुंह धोके नहीं बैठी हूँ। अगर गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा, आज बच्चों को गाड़ी से ले जाएंगे, नहीं तो वहाँ से आके फिर ऑटो। शहजादा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि शहजादा जा रहा है नवाब की दुनिया और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने। तो रोहन का खाना भी भेज दिया साथ के साथ, शहजादा भी जा रहा है, अब रहेगा नवाब और विस्की अकेले। शहजादा जा रहे हो आप शहजादी से मिलने? वहाँ पे एक वाइट फीमेल हस्की आई हुई है जिसका नाम है शहजादी। हम तैयार होके निकल रहे हैं महिंद्रा शोरूम के लिए, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी लेके आनी है। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप ले जाओ आज। वैसे मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हमें मिलेगी नहीं गाड़ी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बुलाया बोल रहे हैं तो लेट्स सी, ट्राई तो कर ही सकते हैं। और अक्षत जीवन छोड़ के आया शहजादे को, वो रहेगा नवाब की दुनिया में। मैं और जीवन जा रहे हैं, नवाब और विस्की रहेंगे अकेले, और हम लोग वेट कर रहे हैं। ऊपर से क्या गिरा, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने रैपिडो का। यहाँ पे कुछ तो गिरा भाई, वो उधर गए हैं कुछ सामान लेने। अक्षत लगा रहा ताला, ऑटो आ चुका है। आजा जीवन आजा जल्दी आजा, लेने गए अपने लिए माजा। और मैंने कहा भाई कितनी दूर जाना है, तो तू ऐसे पैकिंग वैकिंग करके बैठ गए। नहीं बस हम ना कुछ भूल गए थे, तब तक अच्छा हुआ ऑटो वाले भैया आए नहीं थे। अक्षत को दोबारा बुलाया चाबी देके और वो लेके गए। एक बात समझ नहीं आती, सारे काम जब कैब ऑटो ये सब आ जाते हैं, हम घर से निकल जाते तभी के वहाँ जाते हैं। हम जा रहे हैं नवाब की दुनिया में, वहाँ पे हमारी जो गाड़ी है उसकी जो एक नीचे वाली जो लाइट थी वो टूट के निकल के गिर गई थी, तो वो उठा के हमने रख ली थी। तो अब रोहन का फोन आया कि आप लोग निकल गए। मैंने कहा हम तो ऑलमोस्ट निकल गए, सेक्टर से निकल चुके थे। कह रहे एक काम करो यू टर्न लेके आओ और वो गाड़ी का जो गाड़ी की जो लाइट है वो लेके जाओ, क्योंकि वो अभी लग जाएगी तो लग जाएगी, अदरवाइज वो लग नहीं पाएगी। तब जीवन लाइट लेने गया। भाई वाह, स्कूटी से सामने से क्या हुआ वहाँ?
अच्छा तो लोग फाइनली अब हम लोग निकले, जीवन ले आया सामान। और मेरे को आज ये समझ नहीं आ रहा, हम घर से कम आधे घंटे से बाहर खड़े हैं क्योंकि हमारे तीन बार लॉक खोला है हमने, तीन बार। लो जी फिर से पहुंच गए महिंद्रा, बोल तो रहे हैं गाड़ी रेडी है, अब देखते हैं। हम लोग आ तो गए महिंद्रा, बोल भी रहे हैं गाड़ी रेडी है, पर मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, इस उस घर भी तो नया ही लगेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चेतक हमारा देखना कहाँ खड़ा कर रखा है बेचारा। कितना अजीब लगता है गाड़ी जब ऐसे ऊपर चढ़ी रहती है, देखना वो कहाँ चढ़ी हुई है, बहुत फनी लगता है अपने आप में। मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं होता गाड़ियाँ ऐसे देखना। थार ही थार हो रही है महिंद्रा में आके, लेकिन हमारी थार की और तेरी ऐसे लगी ना, तो सामने जगह है यहाँ पे, राइट लेफ्ट कर रहे थे, कोई हटने को तैयार नहीं है, सब बोलते रहेंगे तुम हट जाओ तुम हट। जीवन कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस खाली फटाफट उतरे चेतक मेरे हाथ में आए, और चेतक मिलते ही इसमें सबसे पहले मैं क्या डलवाया, ये इसका पेट्रोल मेरे नाम क्यों आता है? हम लोग रोड टेस्ट पे निकले हैं, मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ गया, बताओ क्या क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं गाड़ी भी मैं क्यों लेने आई। तो गाइस फाइनली हमारा चेतक मिल गया हमें, हमारे खुशी का ठिकाने नहीं, हम बता नहीं सकते। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं सेक्टर 16, हमारी गाड़ी में कुछ बाहर का चुटर पुटर काम है, कुछ निकल के छूट के गिर गया तो वो वहीं से होगा, यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद में मैंने ले ली है अपनी काया से अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। महीनों मेरी अपॉइंटमेंट ऐसी रहती है, मैं नहीं जाती हूँ फेशियल कराने, क्लिंजिंग कराने, तो आज मैंने अपनी क्लिंजिंग की भी अपॉइंटमेंट ले लिया, सारे काम होने चाहिए। लो भैया भैया थैंक यू, हमारी है भैया हमारी है। चलो भाई निकले, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतने दिनों बाद में क्लिंजिंग कराऊंगी मैं भाई। पता है ये गर्मियों का टाइम गया ना, जो अप्रैल मई जून, मैंने इतनी से भी हिम्मत नहीं जताई इतनी से भी कि हाँ मुझे जाना है और मुझे क्लिंजिंग वगैरह करानी है। मैंने कहा बाहर में गई जब होनी होगी हो जाएगी, तो अब यहाँ पास में आए हुए हैं, उस दिन भी हो जाती लेकिन अगर आशीष ना आते, आशीष के साथ में जो वो हो गया ना हमारा कोलैब वो गलत हो गया, तो उस दिन मैं सोच रही थी, उस दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले भी ली थी, फिर मैंने कैंसिल कराई, मैंने कहा ठीक है यार बंदा घर पे आ रहा है तो उससे मिलना भी जरूरी है, तो आज जाएंगे आगे पार्किंग में। मैं आ गई हूँ काया, और यहाँ पे जो पार्किंग के जो रेट सुने जीवन ने, जीवन कह रहा है इनका सही है, अब मैं पार्किंग का ही धंधा करूंगा, इतनी महंगी पार्किंग। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही होती है। फाइनली आज मैं सज सवर के सुंदर बन के निकलूंगी, और त्यागी जी कहेंगे तुम पार्लर गई थी, तुम तो लगी नहीं रही पार्लर गई थी। अभी मैं बैठी हुई हूँ वेटिंग एरिया में, कुछ 5 से 10 मिनट की वेटिंग है, क्योंकि जो हमेशा मेरे को अटेंड करती है श्रीजना, वो अभी फ्री नहीं है, वो क्लाइंट के साथ में है, तो मैं वेट कर रही हूँ श्रीजना का, श्रीजना आती है तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, 1 घंटे का पूरा सेशन है। श्रीजना का कभी भी फेस नहीं दिखता, हमेशा मास्क लगा के रखते हो। टैनिंग बहुत हो रखी है। अरे ये क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, वो तो देखते तो हो तुम, सारे दिन धूप में ही रहती हूँ बच्चों के पीछे, गोलू भोलू टिल्लू। नवाब कैसे है? नवाब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेशन डन, नीचे जीवन वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। काफ़ी टाइम लग गया, 1.5 घंटे का सेशन तो हो ही जाता है। अब इसके बाद में मैं जा रही हूँ सामने, जस्ट सामने DLF है, वहाँ एक बार जस्ट एक छोटी सी गेड़ी मार दें, उसके बाद में हम जाएंगे एक और शॉप है जहाँ पे मेरे लोगों ने काम बताया वहाँ। जीवन को पिक किया मैंने नीचे से, रिसेप्शन पे वेट कर रहा था भाई, इसे तो देख कैसा लगा, उसे नींद आ रही है इसको, ऐसा लग रहा था जैसे हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। क्या हाई स्कूल के क्या क्या बोलता रहता है, हाई स्कूल का एग्जाम ही चल रहे हैं। हमने इन सब काम में सबसे अच्छा काम किया है, हमने पार्किंग एक जगह लगा दी है, वहां से मैं काया पे चली गई, वहां से ही हम लोग DLF जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे फिर मॉल की पार्किंग में लगाएंगे, बहुत टाइम लगने वाला है, और जहाँ हमें जाना है वहाँ पे वो 8 बजे मार्केट ही बंद हो जाता है। और जीवन का एक नया स्टेटमेंट आया अभी निकल के, हंस रहा है, कह रहा मैंने सारा कुछ देख लिया दीदी, जब मेरी शादी हो जाएगी यहाँ ज़ारा से शॉपिंग कराऊंगा अपनी दीदी को, काया पे लेके आऊंगा फेशियल कराऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा,
लेकिन मन में लड्डू फूटा शादी का। अभी तो बोलता है नहीं दीदी शादी नहीं करनी ये वो, और एक दूसरे कह रहा नहीं मैंने सोच लिया है मेरी बीवी को मैं यही लेके आया करूंगा, दीदी बहुत अच्छा है ये। जीवन को कुछ दिख गया भाई, सारे प्लास्टिक के, बिल्कुल सब प्लास्टिक के, कुछ ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल पौधा कैसे जिंदा रहेगा भाई, ढंग से हवा हुआ कुछ भी नहीं है। चल चल फटाफट मॉल में ऐसा कुछ हुआ कि हम झट से गए और फट से बाहर आए फटाफट, मतलब इतनी जल्दी शॉपिंग मैंने आज तक नहीं की थी, आज ही मेरा सेकंड टाइम है। खैर आज मैंने कुछ शॉप नहीं किया है, मैंने बस जस्ट एक गेड़ी मारी है, अगर कुछ पसंद आता बहुत ज़्यादा तो लेती अदरवाइज नहीं, तो मैंने कुछ शॉप नहीं किया। फटाफट हम लोग वापस आ गए, तो हुआ ये कि रात हो गई। वैसे मेरी चूल थी अगर मैं नहीं जाती तो मेरे को पेट में दर्द रहता कि अरे यार मैं मॉल के बाहर तक गई गई नहीं, कुछ गेड़ी नहीं मार के। लेकिन परसों से अब तक मैं क्या ही नया स्टॉक आ जाना था, और वैसे ये परसों बहुत महीनों बाद मॉल में आई थी। हमारा मॉल में आना बिल्कुल बंद हो गया जब से नवाब आया लाइफ में, अगर आते भी तो ऐसे आते मैं आती हूँ रोहन नहीं होते, रोहन आते तो मैं नहीं होती। वैसे रोहन आते हैं तो मैं उनके साथ आती हूँ क्योंकि रोहन मेरे बिना शॉपिंग नहीं करते, मैं रोहन के बिना शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि जिस स्पीड से जीवन बताएगा मैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाती हूँ, कोई मेरे साथ कोई शॉपिंग नहीं कर सकता। अरे भाई हम बहुत लेट हो रहे हैं, क्यों गाड़ियों के सामने आ रहे हो? अब हम फटाफट जा रहे हैं 16 सेक्टर। लो जी फाइनली पहुंच गए सेक्टर 16, गाड़ी रोहन की है, काम मैं कराती फिर रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आज लड़कों वाले काम, जिसकी गाड़ी है उसके काम मैं क्यों करा रही हूँ। हम आ गए रोहन भैया के शॉप पे, हमेशा आते ना यहाँ पे कार स्टाइल, लेकिन भैया है नहीं। काफी देर से बोल रहे थे लेकिन अरे हम पता है हमें इतना टाइम लगा यहाँ, बत्ती भी कम से कम 5 बार, 1.5 घंटे 2 घंटे पहले बोल दिया था कि गाड़ी आने वाली है। यहाँ का काम भी डन, लेकिन टाइम यहाँ पे भी काफी लग गया। अब चलते हैं घर, और हमने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बढ़िया चीज ली है। क्या लिया हमने, क्या लिया हमने, तो जोर से बोलना। जीवन की ना बैटरी लो है, कह रहा यार दीदी घर पहुँचना है, घर जाके सोना है। मैंने बेटा अभी सोना नहीं मिलेगा, अभी तो मैं खाना बना के खा के फीडिंग के लिए भी निकलना है, तो अभी तो रात बहुत दूर है बाबू। और वैसे स्किन ऑयली हो रही है तो बहुत ग्लोइंग लग रही है। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि हमने लिया क्या, हमने लिया बहुत ही तगड़ा बहुत ही बढ़िया सा परफ्यूम, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ही सडनली हो जाती है, बहुत बदबू आती है, मिक्स बच्चों की मिक्स बदबू हो जाती है, तो हमने बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम लिया गाड़ी के लिए। ऑटो पूरा लगा है और गाड़ी पूरी लगी है भाई साहब। दो ऑटो है, एक ये ऑटो है और एक वो वाला ऑटो है, दो ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। अभी समझ आया ये हो कैसे गया इतने ट्रैफिक में। हेलो गाइस पहुंच गए फाइनली नवाब की दुनिया, यहाँ पे गाड़ी पार्क की है क्योंकि हमें रोहन को जाना है विकास के पास। तो भाई हम देखो 2.5 करोड़ का चेक तो नहीं दे सकते उसको, लेकिन हाँ ये है कि इंसान इमोशनल सपोर्ट दे सकता है टाइम पे, तो रोहन से मिलने जा रहे हैं। गाड़ी हमने पीछे लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इधर लेके आते तो यू टर्न 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ता, और ये रहा हमारे नवाब की दुनिया। क्या सुंदर लग रही है आज तो बंद नहीं था काया, काया बंद था कुछ तो दिक्कत है। दया दया आपका चेतक ला दिया है, और आज के बाद मुझे चेतक लेके भेजा तुमने एजेंसी में, तुम्हारे जूत लगेंगे। तो चलना चाहिए ना बंदे के, क्या परेशानी नहीं रहता है। क्या परेशानी यार, तुम्हारी बेसिक नीड है वो, गाड़ी है तुम्हारी, होते आए तो कितने साल, 15-20 साल हो गए गाड़ी रखते हुए। मुझे गाड़ी हाँ उन्होंने ड्राइकिंग करके दी, जाओ ले लो। घर आके सबसे पहले मैंने चेंज किया, मैं पीऊंगी ठंडा सा पानी, उसके बाद में मिलूंगी बच्चों से, और फटाफट खाने का बैग उठा के 9:40 होना है। मेरे फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है और चार्ज करने का टाइम नहीं है, तो मैं जीवन के फोन को ही इमरजेंसी यूज करूंगी, फोन लगा के जाती हूँ चार्जिंग पे। क्या कर ले मेरे गुड्डा बाबू, चोनी चोनी बाबू, ओले 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 ओले, मम्मा आ गई चोना। ओए शहजादे तू तो बड़ी शहजादे से मिल के आया भाई, हैं पोतरे सूखे नहीं, लड़के ने गर्लफ्रेंड भी बना ली। और जी मेरी गुड्डी मेरा बजरंग दल से, ये मेरे बच्चा मेरा बजरंग दल से ताल्लुक रखता है। हैं आप आरएसएस के बंदे हो, शादी वादी आपके आपके मतलब की चीजें नहीं है। विचकू मिलते नहीं हो तुम, विचकू आपने तो शक्ल भी नहीं दिखाई अपनी, क्या बात होगी, गुच्छा होगी मेरे।
क्या करूं मैं इसका, क्या करूं क्या करूं, कोई बताए मुझे मैं क्या करूं इसका। हैं ओए कैसे घूर रहा है, हैं लेंस कौन से ब्रांड के दे रही है, सब पूछते रहते हैं, शहजादे से पूछो शहजादे के लेंस कौन से हैं। ओए भाई ऑल सेट टू गो, खाने का बैग काट करके इसके अंदर डब्बा रख लिया, सीजर से काटना पड़ता है। गाइस यहाँ तक ही वीडियो बना सकती हूँ मैं, फीडिंग शुरू तो घर से कर दी है मैंने, और ये सारे लफंडर कल्लो भोलू एंड गोलू, हाँ जी पहले डेजी खाएगा उसके बाद में सब लोग खाएंगे, और मैंने बाउल में इसलिए रखा क्योंकि रात को बारिश आ जाती है और ये जो खाना बचा होता है ये सारा पानी में भर के भीग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया। ये जो बचेगा मैं इसको उठा के वापस बैग में। अब मैं निकलती हूँ फीडिंग के लिए, और आज का दिन आप लोगों के सामने था कितना हैक्टिक रहा, अभी तो कुछ खाना भी है, बाकी आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, तो अपने जीवन का फ़ोन इमरजेंसी कॉल करने के लिए रहेगा। फ़ोन में चार्जिंग लगा के जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ोन चार्ज करने बैठी तो मैं और लेट हो जाऊँगी।